हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आप सबका स्वागत है यहाँ। मैं सीएमए रोहन शर्मा, मेरे साथ है अभिजीत प्रसाद। अभिजीत ने रिसेंटली सीएमए क्वालिफाई किया और सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में कोलकाता कैंपस में अभिजीत को जॉब मिली है कल्पतरु पावर में। और हम डिस्कस करने वाले इस पूरी वीडियोज में अभिजीत की स्टोरी कैसी रही थी, उनकी सीएमए जर्नी, क्या क्या चैलेंजेज आए थे, कैसे उन्होंने सीएमए क्वालिफाई किया, फिर जॉब लिया, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। सो हाय अभिजीत, कैसे हो आप? ठीक हो सर। हाँ, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, आपने कितने के एज में अपने सीएमए क्वालिफाई किया? आई थिंक मुझे नहीं लगता आपकी एज ज्यादा है। 26। 26 के एज में आपने सीएमए क्वालिफाई किया, राइट? सो फिर भी एक अच्छी एज है। 26-25 के एज में अगर आप सीएमए क्वालिफाई करते हो तो स्टैंडर्ड एज है ये सीएमए क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, जब आप सीएमए क्वालिफाई किए, फिर आपके लिए कैंपस था, कैंपस से अभी आपको ऑफर भी मिल चुका है, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि लाइक एक सक्सेस जर्नी लग रही है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो जर्नी का कंप्लीट हो गया, जहाँ एक फाइनल कंप्लीट करना ही नहीं, फिर वो जॉब के लिए भी बहुत सारा हमारे को प्रॉब्लम होता है, तो कैंपस से हो जाना वो बहुत बड़ा बात हो जाता है। या चलो कैंपस से एक लग गया, वो उसके बाद वो फर्स्ट कैंपस में स्टार्टिंग में लग गया एकदम। राइट। तो लाइक आपको कैसी लगी थी मेरी मेंटरशिप ड्यूरिंग दी 2 मंथ्स हमने साथ में काम किया कोलकाता कैंपस के लिए? और आप बताओ। पहले तो कुछ पता ही नहीं था, और पहले मतलब कि आपका नाम पता भी नहीं था, तो मैंने जब एग्जाम दे दिया दिसंबर में, उस टाइम से भी बहुत इधर उधर था, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर यूट्यूब में देखते देखते फिर पता चला कि सजेशन दिया, तो मैंने क्लासेस भी लेक्चर देखते हैं क्या होता है, लेकिन देखते देखते मतलब वो जो डर होता है ना कि हाँ कैसे क्लियर होगा इंटरव्यू वगैरह, वो सारा डर देखने के बाद खत्म हो गया। क्योंकि उसके बाद आपका वो जो आपने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था, फिर जीपीयू वो बहुत हेल्पफुल हो रहा था। क्या हो रहा था ना, उससे एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा था लोगों से, तो पता चल रहा था कि हाँ सामने में भी अगर कोई कंपटीशन में खड़ा है तो वो लड़का कैसे है और किस टाइप से है, तो हमको वहां पर कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, ठीक है। और फिर इंटरव्यू भी ले लिए तो फिर क्या और भी खत्म हो गया क्या, कि सामने सब इंटरव्यू भी रहेगा तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, हमको कैसे करना वो। और बेसिकली मेरे इंटरव्यू भी हुआ था पत्रों में, तो बेसिकली पूरा आई टू आई कॉन्टेक्ट में हम भी रख पाए थे इंटरव्यू के सामने, ठीक है, कि हाँ वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा था तो उसके मुंह पर वैसे जवाब दे पा रहे थे, तो बहुत हेल्पफुल रहा था आपने। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मेरे बुक्स कैसे लगे आपको, जो मेरे नोट्स थे बुक्स से? बुक्स बहुत हेल्पफुल थे, ब्रीफ में थे। ग्रेट। सो आपके फैमिली का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपके मतलब उनके लड़के का जॉब हो चुका है, कैंपस भी हो चुका है, सारी चीजें कैसे फील हो रहे हैं आपके पेरेंट्स, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छे हुई है, बहुत अच्छा फील हो रहा। ग्रेट। सो अभी कहाँ आप, कोलकाता में? हाँ अभी तो रहता है, नहीं चलो अच्छा है। सो हम बात थर्टी करते हैं। थर्टी थर्टी बस नहीं, अच्छा, 31 तक की ज्वाइनिंग है। तो 3 जून की है वो, निकलने के 2 दिन पहले के ट्राई करने के। ओके 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 ग्रेट। सो अच्छा, आप ये बताओ, आपने सीएमए कोर्स कैसे ज्वाइन किया, आपको कैसे पता चला सीएमए कोर्स के बारे में, और आपने फिर सीएमए कोर्स को कैसे ज्वाइन किया? मैंने बीकॉम मेरा हो चुका था, तो बीकॉम होने के बाद मैंने एमकॉम में भी एडमिशन लिया था। तो फिर वो एमकॉम में कोविड के टाइम पे कुछ मतलब ये क्लासेस वगैरह एमकॉम के भी नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो कुछ मतलब मेरे पास कि हाँ किसी फील्ड एरिया में जैसे अकाउंटिंग और फाइनेंस बेसिक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, तो फिर सी एस सी एम ए का 2 क्वेश्चन मैंने फ्रेंड में दिया, ठीक है। तो मैंने उसको नहीं पता किया तो कौन सा जल्दी कम्प्लीट हो पाएगा, तो सीएमए बोला कि हाँ उसका ट्रेनिंग पे बहुत शॉर्ट है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक एक आइटम करके भी मैंने दिया था, ठीक है, देखिए कम करके फिर मैं निकलते भी गया ऐसे। ओके, मतलब आपने पूरा सीएमए जर्नी फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट किया, राइट? और आफ्टर ग्रेजुएशन आपने सीएमए कोर्स को ज्वाइन किया, राइट? ओके, सो बेसिकली इट मींस आपने ऐसे कोई मेजर चैलेंजेस आपने नहीं फेस किए। अच्छा, आपने जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन ज्वाइन किया सीएमए कोर्स को, तो क्या क्लास 12th के बाद आपने नहीं सोचा था कि आपको प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहिए, या आपने ये सोचा था कि पहले ग्रेजुएशन कर लेता हूँ फिर देखूंगा कि बाद में क्या करना है? नहीं मतलब क्लास 12 के बाद ना उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मतलब कि बैकग्राउंड में उतना फैमिली बैकग्राउंड में सब नहीं है, तो वहाँ फैमिली बैकग्राउंड सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, फिर यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब बैंक एस एस सी के
नेवी आर्मी के ऐसे थे, तो उतना हम लोग को पता भी नहीं चल रहा था। और मैं भी अगर वो तो मतलब सिंगर ओके सो इसलिए आपको इतना आइडिया नहीं हो पाया, तो ये आप थोड़ा सा मिस कर रहे हो। नहीं, हाँ हाँ अगर आप ग्रेजुएशन से पहले ज्वाइन ये करते तो आप 23 24 छोटा ना कि फोर आप में कर लेते बैकग्राउंड, हैं। हाँ जैसे कुछ बैकग्राउंड में, हाँ सी एस में भरे हुए हैं तो प्रॉब्लम नहीं, तो रास्ता क्लियर है। तो वो मेरा वो जर्नी में सी एम ए फाइनल का निकला तो उतना ज्यादा निकला जितना वो कैंपसिंग में जब सिलेक्शन हुआ था, यहाँ पूरा प्रोसीड्योर कंप्लीट हो गया। चलो कोई नहीं, एट द एंड आप सी एम ए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप अपने आर्टिकलशिप बग के बारे में बताओ कि लाइक आर्टिकलशिप का इम्पोर्टेंस कितना था आपकी जर्नी में। आर्टिकल का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है कि वो एक्चुअली एक्चुअली मतलब हम लोग का जो मार्केट में लोग काम करना है, उस काम को कैसे हैंडल करना है। और बहुत सारा ऐसा प्रेशर सिचुएशन आता है ना कि फिर हम लोग को घर में काम भी करना है, काम भी बहुत प्रेशर पड़ जाता है उधर में, तो घर में पढ़ाई भी रहता है, तो इस दोनों को मतलब दोनों को कंट्रोल करना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। तो अब बहुत सी और मेरे कलीग वगैरह है जो कर रहे हैं, बहुत सारे रहते हैं कि मतलब की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बोलते हैं कि भाई पढ़ाई हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी अगर मैं बहुत टाइम निकाल पाऊँ 3 घंटे अगर रेगुलर पढ़ाई कर पाया तो उसमें आ रहा था कि हाँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टाइमली कम्प्लीट करने के, अगर टाइमली ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत ही प्रेशर पड़ जाता है फॉर्म वगैरह में काम, तो वो हो नहीं पाता सिचुएशन। उसमें मैंने वो देखा कि हाँ काम भी करना है और मैं आपको पढ़ाई भी करना है, जिससे टाइमली हम लोग को एग्जाम देकर भी उसको कम्प्लीट कर लेना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। अच्छा, आपने सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए, तो आप क्या एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे थे जिससे आपको अटेम्प्ट्स नहीं देने पड़े? आपने वन शॉट में एग्जाम क्लियर किया, आपकी रिव्यू। मेरे पहले इंटर में पहले पहले ग्रुप में मेरे को अटेंड लगा था। ठीक है, मेरा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मेरे से अच्छे से हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मेरे हिंदी लॉ वाले भी ना 39 मार्क्स आए थे उसमें, जस्ट 1 मार्क्स के लिए मेरा वहां पे लग गया था। बट 2 पेपर में एग्जीबिशन आए थे, तो फिर नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में मैं ये पहला ग्रुप या सेकंड ग्रुप दोनों ही दिया। तो वहां पे मैंने फाउंड आउट किया ना कि मेरे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को दो दो मतलब हिस्सों में डिवाइड हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर मेरा है तो वो ऑटोमेटिकली वो मेरे अंदर से आ जाएगा। मेरे को एक्चुअली वर्क, अगर मेरे को आगे बढ़ना है तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा वो वीक वाले पॉइंट पर। ठीक है, मेरे को वहां कैसे लूपहोल हो रहा है, जैसे हम गिर पा रहे हैं, अगर उस एरिया पर अपने लूपहोल वाले एरिया पर मतलब कि उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर मेरा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाता है। फिर वो जब मैंने सेकेंड टाइम पर वो सेकेंड ग्रुप दिया था मैंने, और उसके बाद मुझे फर्स्ट देने पड़े थे 2 पेपर, टैक्स और लॉ, तो मुझे समझ में आया था तो प्रेशर वाले सिचुएशन में 6 पेपर देना तो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करूं। फिर जब मैंने फाइनल में भी सेम मल्टीप्लिकेशन कैसे एक ग्रुप को मेरे यहाँ पे सबसे बहुत ही हेल्प किए थे समरी नोट्स, क्योंकि हम लोग को सिलेबस जो होते बहुत ही लेंदी होते, समरी नोट्स होते थे ना वो एग्जाम के टाइम में इन्वॉल्व थी, वो बहुत ही हेल्पफुल होते थे। ओके, अच्छा, आप ये कह रहे हो आपका ग्रुप 1 में अटेम्प्ट लगा था फर्स्ट, देन उसके बाद आपने ग्रुप बोथ ग्रुप आपने इंटरमीडिएट दिया, राइट? और फिर क्लियर हो गया, हाँ, क्लियर और फाइनल में आपने एक फिर एक ग्रुप फाइनल, दिया। हाँ एक बार में क्लियर ओके, एक एक बार में क्लियर हो वहां से गया। सीख मिली है, जो मतलब जो कैसा सिचुएशन को हैंडल करना है वहां से। ओके, ग्रेट। अच्छा, बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है, जैसे लॉ का पेपर हो गया, एसपीएम का पेपर मेरे हो लिए भी गया। सेम था, ओके, तो आपने कैसे टेकल किया इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए? मैं पहले ऐसे ही मतलब किसी चीज को प्रोसेस करने के बाद वहां पर नहीं रहता, बट बाद में उस चीज को थ्योरेटिकल पेपर में क्या क्या मैंने पहले समझने के लिए, पहले 1 टाइम समझने के लिए पहले ऐसा होता था कि ऐसे पढ़ के निकल जाता था, बट दोबारा जब ट्राई किया फेल हुआ मैं वहां पर, इसलिए हड़बड़ी करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, वैसे भी टाइम लैप्स हो जाएंगे, तो इस तरह से थ्योरी वाले क्वेश्चन को मैं पहले फर्स्ट टाइम बहुत ही स्लोली पढ़ता था। ठीक है, और यस, या यू कैन कंटिन्यू। थ्योरी वाले पेपर को पहले जब दोबारा हुआ था, थ्योरी वाले पेपर को एकदम स्लोली पढ़, पहले एक बार अंडरस्टैंड कर लेना है पेपर में कि हाँ उस पूरे कोर सब्जेक्ट के एरिया में वो अंडरस्टैंड कर लेना है फर्स्ट स्टेप में, या उसके पूरे कोर कॉन्सेप्ट में क्या है। उसके बाद सेकंड वाले स्टेप में हाँ उसको लर्न करना है या कुछ भी करना है उसको कंप्लीट करनी है, बट थ्योरी वाले पोर्शन को पहले फर्स्ट टाइम पूरा मतलब स्लोली स्लोली पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेना है अपने अंदर,
उसके बाद ही आगे का स्किप करना है। अगर विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम रन करेंगे तो फिर वो स्किप कर जाएगा माइंड से हमारे। ओके ग्रेट। सो काफी अच्छे सजेशंस आपने दिए स्टूडेंट्स को। अच्छा एग्जाम में वो 3 आवर जो होते हैं वो किस तरीके से आप मैनेज करते थे? 3 आवर्स में मुझे स्टार्टिंग का हम लोग 15-20 मिनट क्वेश्चन पेपर रीडिंग करने के लिए है, वो मेरे लिए बहुत ही इफेक्टिव हुए थे। ठीक है, मतलब कि एग्जाम के पेपर में सब लोग तो कॉपी लो लिखो लो ये रोल नंबर लिखो लिखा, हम पहले साइड हो। मेरा प्रिपरेशन करना क्वेश्चन पेपर से मिलता था ना, मेरे को ये सोचना था मेरे को 40 से 50% जो मेरे इजी वाले है ना मेरे को एकदम कंफर्टेबल ही हो जाएंगे। पहले मैं पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ के वहां पर पहले उसको अलग करता था कि हाँ उसको अलग करके पहले फर्स्टली मेरे को सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 40-50% हो गया तो बाकी 40% में क्या होता है मेरे को थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो टाइम टाइम जब लास्ट में बचेगा इसलिए हाँ हमको उसको ट्राई करके रखना है, क्योंकि एग्जाम के पेपर है 50-60% ऐसे होंगे कि बहुत ही पास ईयर के पेपर है। मैंने सीनियर भी सॉल्व किया तो वो बहुत हेल्पफुल रहा था पास ईयर के पेपर। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन 50-60% ऐसे ही हो गए, तो मेरा वो 15 मिनट्स जो था ना स्टार्टिंग एग्जाम में आवर्स में वो मेरे को रहता था कि हाँ मेरे को क्वेश्चन का सिलेक्शन करवा देता था कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन अटेंड करेंगे। ओके ये ग्रेट मेरे को मतलब बहुत ही हेल्पफुल किया कि हाँ फैक्ट आइटम्स में क्लियर करने के लिए। ओके नाइस। तो आपने एग्जाम भी काफी अच्छे से क्लियर किया, आपका कैंपस भी हो गया और अभी आप न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, तो ऑल द बेस्ट न्यू जर्नी के लिए। बाकी स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? थैंक यू, अच्छे से पढ़े एकदम टाइम। ओके और मेरे बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि लाइक मेरी मेंटरशिप आपके लिए कैसी रही और स्टूडेंट्स को क्या मेरी बहुत मेंटरशिप लेना बहुत चाहिए? बहुत बहुत अच्छी है, लेना चाहिए एकदम एकदम ही लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा गाइड कर रहे हैं, ओके थैंक्स। सो हम ऑल लोग द फ्यूचर बेस्ट। में भी इसका बोलो बोलो। अब आपके गाइड में भी और भी जॉब करने के लिए हम लोग को मिले यस और श्योर भी सर, जॉब, मैं एक तो ऑफर से हमेशा ज्यादा और भी। कनेक्टेड हूँ, हाँ अपने अपने सारे स्टूडेंट्स से हमेशा कनेक्टेड हूँ, कभी भी लगे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू। ओके अभिजीत, ऑल द बेस्ट और अचीवमेंट्स लाइफ में लो, आगे बढ़ो। आई होप कि आप जो भी चाहते हो लाइफ में सब आपको अचीव हो। थैंक यू, ओके बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।